हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम फॉर यू में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी है महात्मा गांधी, डी ए डॉक्टर संपूर्णानंद। इसके आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? आपका ऑप्शन ए है रामदेव सकपाल, बी है रामजी सकपाल, सी है रामकिशन सकपाल, डी है राधेराम सकपाल। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आपका ऑप्शन ए है श्रम विभाजन, बी है धन विभाजन, सी है जन विभाजन, डी है जाति विभाजन। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। आपका ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, बी है प्रमुख, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। मूक नायक क्या है? आपका ऑप्शन ए है अखबार, बी है पत्रिका, सी है पुस्तक, डी है कहानी संग्रह। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपका ऑप्शन ए 1956 दिल्ली में, बी ए 1957 मध्य प्रदेश में, सी ए 1958 वाराणसी में, डी ए 1959 बिहार में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1956 दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? आपका ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1988, बी है 14 अप्रैल 1989, सी है 14 अप्रैल 1890, डी है 14 अप्रैल 1891। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? आपका ऑप्शन ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपका ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है ज्योतिबा फुले, सी ए राजगोपालचारी, डी ए महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है? आपका ऑप्शन ए है जाति प्रथा, बी है श्रम विभाजन, सी है अणुबम, डी ए दूध पानी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? आपका ऑप्शन ए है इटली, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क, डी है दक्षिण कोरिया। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे।
आपका ऑप्शन ए है बुद्ध, बी ए कबीर, सी ए ज्योतिबा फूले, डी ए इनमें से सभी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आपका ऑप्शन ए है 1942 ईस्वी में, बी है 1940 ईस्वी में, सी है 1936 ईस्वी में, डी है 1938 ईस्वी में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरण विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपका ऑप्शन ए है कहानी, बी है भाषण, सी है निबंध, डी है साक्षात्कार। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? आपका ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया, बी है द अनटचेबल, हु आर दे, सी है हु आर सुदराज, डी है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आपका ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए, बी ए भाईचारे के लिए, सी ए रूढ़िवादिता के लिए, डी ए इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? आपका ऑप्शन ए है द कार्स इन इंडिया देयर मैकेनिज, बी ए जिनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी ए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी ए हु इज सुदराज। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? इसका आंसर है ललन सिंह यादव, बी ए किशोरीलाल, सी ए मोहन वाजपेयी, डी ए इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए ललन सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपका ऑप्शन ए है ब्राह्मण, बी है क्षत्रिय, सी है दलित, डी है कायस्थ। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दलित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? आपका ऑप्शन ए है जातिवाद में, बी है नारीवाद में, सी है निर्विवाद में, डी है परिवारवाद में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जातिवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन ए है रानीबाई, बी ए कुंतीबाई, सी ए शीलाबाई, डी ए भीमाबाई। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? आपका ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, बी ए 1928 ईस्वी में, सी ए 1916 ईस्वी में, डी ए 1914 ईस्वी में। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? आपका ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, बी ए जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी ए आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी ए जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी ए जिसमें सभी धनी हो, सी ए जिसमें सभी पढ़े लिखे हो,
डी ए जिसमें सभी स्वास्थ्य हो। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भारतीत्व का भाव हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? आपका ऑप्शन ए है अशिक्षा को, बी ए जनसंख्या को, सी ए जाति प्रथा को, डी ए उद्योग धंधों की कमी को। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।